न्यू चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं लेवरेज एनालिसिस। अगर बात इसके सॉल्यूशन की करें, अगर इसमें जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं उसकी करें, तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स वर्किंग नहीं होती है। लेवरेज किसी फिक्स्ड एक्सपेंस के कारण क्रिएट होने वाले हमारे कुछ इम्पैक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पर मेजर करेंगे। अगर फिक्स एक्सपेंस नहीं है तो लेवरेज नहीं होगी। अगर फिक्स एक्सपेंस आपके पास है कोई, ओनली देन लेवरेज होना पॉसिबल है। तो जो फिक्स एक्सपेंस है वो लेवरेज के क्रिएट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो दो टाइप के खर्चों में ब्रॉडली डिवाइड किए जा सकते हैं, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। जो सेमी वेरिएबल होते हैं उनके भी रियलिटी में दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए उसे सेमी वेरिएबल होते हैं, क्योंकि उस सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। तो ब्रॉडली हमारे दो ही टाइप के खर्चे बनते हैं, जो वेरिएबल है और जो फिक्स है। एक बार मैं यहां पे एक स्टेटमेंट से वो फिक्स एक्सपेंस कहां कहां आते हैं और कैसे वो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं, लेवरेज में इंपैक्ट डालते हैं, उसके लिए कुछ फिगर के साथ यहां पे एक क्वेश्चन में एक डमी फिगर यहां पे क्रिएट करता हूं। मैं मान के रहता हूं से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे पहले कुछ वैल्यू सेल हुई है। जो सेल हुई है सिंपल अमाउंट ले लेते हैं, से रुपीज 10,000 होती है, 10,000 रुपए की सेल होती है। कुछ उनका वेरिएबल खर्चा होगा, जितने भी वेरिएबल खर्चे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड, जितने भी वेरिएबल खर्चे उन सबको हमने जोड़ लिया, जहां पे भी होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में होते हैं, चाहे वो ऑफिस में होते हैं, चाहे वो शोरूम में होते हैं, अपने सभी वेरिएबल एक्सपेंस को जोड़ लिया और उसमें से अब लेस कर देते हैं जो कि है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस तो हमारी सेल्स जो थी वो थी रुपीज 10,000। अब वेरिएबल एक्सपेंस में मान के चलता हूं से है रुपीज 6,000। तो ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल खर्चा घटने के बाद क्या बचा, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिलहाल वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस करने पर वो फिगर आ जाएगी रुपीज 4,000। अब हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हमारा फिक्स खर्चा क्या है, फैक्ट्री का, ऑफिस का रेंट, परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी, मैनेजर की सैलरी, कुछ फिक्स एक्सपेंस हो सकते हैं। तो इसमें से लेस करते हैं अपने सभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मैं मान के चलता हूं फिक्स एक्सपेंस मेरे 2,000 रुपए के भी, जैसे ही मैं फिक्स एक्सपेंस भी माइनस कर देता हूं, पहले वेरिएबल एक्सपेंस माइनस हो गए, अब फिक्स है, सभी खर्चे अब मेरे टोटल एक्सपेंस ही माइनस हो गए। तो इसका मतलब सभी खर्चे माइनस करने, अब सरकार को मुझे टैक्स देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है, और ब्याज अगर किसी के, अगर किसी से लोन लिया तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। मेरे सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे कवर कर लिए गए हैं, तो इसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के दो हिस्से किए, वेरिएबल और फिक्स, और अब मैं ब्याज भरने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर फिगर में मान के चलता हूं फिर बचेगी कितनी, 2,000। अब पहले टैक्स देंगे या पहले इंटरेस्ट देंगे, पहले इंटरेस्ट देंगे, तो आप उसके बाद लेस क्या करेंगे, सर अब इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया। मैं मान के चलता हूं जो मैंने लोन लिया उसके ऊपर 1,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट था, जैसे ही मैं इंटरेस्ट दे दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही मैं ये माइनस कर दूंगा मेरे पास फिगर होगी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स, तो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, रुपीज 1,000। और उसके बाद सरकार आ जाएगी, कहेगी जी हमें टैक्स दो। मैं मान के चलता हूं कि से हमने 50% या 40% टैक्स रखा था, 40% अगर टैक्स मैं घटा दूं तो 400 रुपए निकल जाएगा, और जैसे ही बच जाएगा मेरे पास आ जाएगा PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इस एग्जांपल के हिसाब से चले तो 600 रुपए होगा। अच्छा, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक यूज होता है, अगर मैं इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो एक किस में बदल जाएगा, तो ये अर्निंग पर शेयर में बदल जाएगा। मतलब ये PAT ही बाद में फ्यूचर में, अभी तो नहीं हो, थोड़ा तरीका लगा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, लेकिन बाद में ये क्या बन जाएगा, ये बाद में EPS भी बन जाएगा, इसी से EPS क्रिएट होगा। प्रॉफिट ये होगा, बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया, रियलिटी में PAT है, EPS नहीं, लेकिन ये EPS के लिए यही वाली फिगर यूज की जाएगी। क्लियर है? अब यहां पे जज करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें फिक्स हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें वेरिएबल हैं। सेल्स वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन, यहां पे सेल्स क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, थोड़ा सा भी माल ज्यादा बिका सेल की वैल्यू बदल जाएगी, सेल बढ़ेगी साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स बिल्कुल आपस में कोरिलेटेड है। आप अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोडक्ट 6 रुपए का बनाते हैं और 10 रुपए का बेचते हैं, तो दो प्रोडक्ट बेचेंगे तो 12 रुपए की लागत भी आएगी उसकी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो इसके साथ चेंज होती रहती है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन तक बात मतलब फ्लक्चुएट होती रहेगी, बोलो होगी नहीं होगी,
सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और हमारा कंट्रीब्यूशन भी बड़ा हो जाएगा, सेल घटेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी और हमारा कंट्रीब्यूशन भी छोटा हो जाएगा। लेकिन चाहे ये बढ़े घटे कुछ भी हो, लेकिन ये तो 2000 का 2000 ही रहेगा, फिक्स है। इसको मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, इससे पहले वाली जो इससे ठीक पहले फिक्स कॉस्ट से ठीक पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो फिक्स रहने वाला है, उसके बाद फिर ईबीआईटी आएगी, ठीक है। ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट बताइए, ये तो फ्लक्चुएट होगी ना ईबीआईटी, क्योंकि ये आपका फिक्स है लेकिन ये बदलेगा तो फिर ये भी बदलेगी। अच्छा बताइए इंटरेस्ट भी आपका बदलेगा क्या, चाहे आपके पास सामान ज्यादा बिके चाहे आपका कम है, ये भी एक तरह से क्या है, फिक्स है। उसके बाद फिर आपकी पीबीटी आएगी, पीबीटी के बाद फिर टैक्स भी वेरिएबल है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और ये चेंज होगा और ये भी बाद में चेंज होता रहेगा। यहां पे मैंने अगर आप नोटिस करें तो हर एक फिक्स एलिमेंट के पहले और बाद वाले को मैंने मार्क किया। फिक्स एलिमेंट सिर्फ दो ही निकले इसके अंदर, कौन कौन से फिक्स एलिमेंट निकले, एक तो ये फिक्स एक्सपेंस फिक्स है, दूसरा इसमें इंटरेस्ट है, बाकी पूरा एनालिसिस के बाकी सब वेरिएबल निकला, सिर्फ दो चीजें थी जो फिक्स थी। अब यहां से हम लेवरेज की बात शुरू करेंगे। ये जो फिक्स एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारे कौन से खर्चों को कवर कर रहे हैं, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कर रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, जो फिक्स एक्सपेंस है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड उनको कवर कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स एक्सपेंस है वो एक हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज पे इंपैक्ट डालेगा, किस पे इंपैक्ट डालेगा, ऑपरेटिंग पे। और ये जो इंटरेस्ट है ये फाइनेंस का चार्ज है, तो ये हमारी एक फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे उस पे इंपैक्ट डालेगा। अब मैं यहां पे फार्मूला डिस्कस करने वाला हूं, क्या है हमारा फार्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का और क्या है हमारा फार्मूला फाइनेंशियल लेवरेज का, और उसके बेसिस पर फिर हम कंबाइन भी बात करेंगे इनकी, कंबाइन क्या इनका रिजल्ट है। तो पहली लेवरेज नंबर वन, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है इसका फार्मूला, जो फिक्स एक्सपेंस है यही लेवरेज क्रिएट करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया फिक्स खर्चा अगर नहीं है तो लेवरेज क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये फिक्स एक्सपेंस है। तो इससे ठीक पहले और इसके ठीक बाद वाली फिगर से ये लेवरेज निकाली जाएगी। इससे ठीक पहले क्या भी हमारा, इससे ठीक पहले हमारे पास है कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसके ठीक बाद में क्या है, ईबीआईटी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज ये बता रही है। अच्छा, इसका एक दूसरा फार्मूला भी आपके पास होगा, इसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला भी होगा। वैसे ऑल्टरनेट फार्मूला आपका तभी यूज होगा जब आपके पास एक डेटा और हो, सिंगल डेटा में यही वाला फार्मूला होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और इम्पैक्ट डाल दूँ, एक और सेल्स वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, तो फिर दूसरे वाला तरीका काम में आता है। दूसरे वाला तरीका कहता है कि इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, चलो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ उस फार्मूले को, पहले एक सी फार्मूले की बात कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास कौन सी लेवरेज आएगी इसके अंदर, दूसरा होगी हमारी फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज भी दो ही चीजों से निकलेगी, जहां पे फिक्स आ गया वही रिस्पॉन्स है, फिक्स आ गया देखो अब ये इंटरेस्ट, तो इससे ठीक पहले क्या है और ठीक उसके बाद में क्या है, बताइए इससे ठीक पहले क्या है, ईबीआईटी, और उसके बाद में ठीक क्या आ गया, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं बताऊंगा कि ये रेशियो क्या बता रही है, इस रेशियो से पता क्या चलेगा जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी एक रेशियो हो सकती है दोनों का कंबाइन इफेक्ट, फिक्स कॉस्ट ये भी है, फिक्स कॉस्ट ये भी है, तो अगर इन दोनों को ही कवर करें तो कंबाइन हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर इन दोनों से ठीक पहले ये है और उसके बाद ये है, तो कंबाइन लेवरेज हो जाएगी, कंबाइन लेवरेज, जिसका हमारा फार्मूला क्या होगा, दोनों फिक्स को कवर कर लो तो कंट्रीब्यूशन से शुरुआत होगी, फिर डिवाइड किसका होगा, पीबीटी डिवाइड होगा पीबीटी, ये भी कवर हो गया इसमें और ये भी कवर हो गया, टॉप टू बॉटम दोनों कवर हो गए, ठीक है। चलो वैल्यू डाल देता हूं पहले, फिर ये और वाला फार्मूला जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं इसके साथ, सबके साथ एक एक फार्मूला हो रहेगा। यहां पर वो फिगर है 4000 और फिर फिगर है 2000, यही है जवाब आया 2 times। यहां पर फिगर कितनी है 2000, फिर है 1000, जवाब कितना आ गया 2 times, और यहां पे फिगर हो जाएगी 4000 डिवाइड बाय 1000 4 times। वैसे मैं बता दूं ये जो 4 times है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका एक ऑल्टरनेट वे और हो सकता है, क्या इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज, उससे भी ये जवाब आ जाएगा।
अब ये क्या वैल्यू के मतलब है वो जा समझ ले। लेवरेज फिक्स खर्चे के कारण प्रॉफिट पे पड़ने वाले इंपैक्ट है, और ये इंपैक्ट क्या बताते हैं, अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, और स्टार्टिंग वैल्यू ये तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है या नहीं, ये तीनों वेरिएबल है, अगर इनमें से कहीं पे भी 1% का बदलाव हो गया तो आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपकी ईबीआईटी के ऊपर 2% का बदलाव होगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स आ जाए तो अगर आपकी सेल, क्योंकि स्टार्ट तो कंट्रीब्यूशन ही बल्कि सेल से, और तीनों आपस में कोरिलेटेड है, तीनों ही वेरिएबल है, तो अगर आपकी सेल यहां पर 1% चेंज हो जाए और ये एवरेज हमारी 3 टाइम्स आई हो, तो 3 गुना 3% का चेंज आपको प्रॉफिट में नजर आएगा। फिलहाल 2 टाइम्स है, तो अगर हम अपनी सेल को 10% बढ़ाएं तो हमारा ईबीआईटी 20% बढ़ेगा। अगर हमारी सेल 25% बढ़ जाए तो हमारा ईबीआईटी 50% डबल बढ़ जाएगा। और वही रिलेशनशिप यहां पे भी है, यहां पे भी 2 टाइम्स है, तो यहां पे 1% का चेंज इसको 2% चेंज करेगा, और ये चेंज इन तीनों पर ही रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही वेरिएबल भी होती है, ये सभी 2% बढ़ेंगे, 1% यहां पे चेंज होगा, तो इन तीनों के ऊपर आपके ईबीआईटी तक, सॉरी पीबीटी और पीएटी के बाद सारी फिगर के ऊपर ही आपका 2% का चेंज हो जाएगा। और यहां पे 1% का चेंज होगा तो यहां पे आके वो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स है। इस चीज को एक बार वेरीफाई करते हैं, इसी से हमारे ऑल्टरनेट फार्मूले भी निकलेंगे। मैं मान के चलता हूं कि यहां पे हमारी सेल जो है वो 20% बढ़ गई, 20% बढ़ा देते हैं सेल को, 20% बढ़ाए। अगर मैं सेल को 20% बढ़ाऊंगा तो जो माल 10,000 का बिक रहा था वो 12,000 का बिकेगा, 20% ये होता है, तो मैं इसमें 20% का इंपैक्ट डाल रहा हूं, 20% प्लस कर रहा हूं इसमें, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, नई वैल्यू हो जाएगी ₹12,000। क्लियर है? लेकिन ऑब्वियसली जब माल ज्यादा बिकेगा तो माल ज्यादा मंगाना भी पड़ेगा, जब 20% सेल बढ़ जाएगी तो 20% मुझे माल भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पे भी 20% का चेंज आएगा ही आएगा। कितना हो जाएगा ये फिगर हो जाएगी हमारी 7,200। और बताइए नया मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, नया कंट्रीब्यूशन जो मेरा है वो रियलिटी में 4,800 आएगा। और आप चेक कर लेना 4,800 ये भी 20% ही बढ़ के आया है, क्योंकि तीनों ही वेरिएबल है, इसलिए एक चेंज होगा तो दूसरा भी उतना ही चेंज होगा, तो इसलिए यहां पे 20%, यहां पे 20%, यहां पे 20%, सब एक जैसा है, यहां पे 2% होगा, यहां पे भी 2% होगा, यहां पे भी 2%। क्लियर है? लेकिन 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 फिक्स कॉस्ट हमारी नहीं बदलेगी, फिक्स कॉस्ट अभी भी कितनी होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और यहां पे 2000 ही वैल्यू रहेगी। अब कितना बचा प्रॉफिट हमारा, 2800। आप चेक कर लेना 2800 यहां पे हो गया और यहां पे था 2000, तो ₹800 का चेंज हुआ, 800 इस 2000 का 40% प्लस करके आ रहा है। अगर आप 2000 का 40% निकाले तो वो 800 होगा, और 800 का इफेक्ट यहां पे जाए तो 2800 होगा, तो ऊपर तो 20% का चेंज आया, लेकिन यहां पे चेंज जो डिफरेंस क्रिएट हो गया वो 40% का क्रिएट हो गया, 2 टाइम्स है ना वहां पे, तो डबल होना था, ऊपर 20% नीचे 40%। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में निल परसेंटेज इंक्रीज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जवाब कितना होगा हमारा यहां पे, सर ये 1000 होगा, ये फिगर कितनी होगी, 1800। अब देख लो ये 1000 का 80% बढ़ गया है, 1000 का 80% 800 होता है, और 800 बढ़ के कितना हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहां पर आते ही फिगर डबल हो जाएगी, और यहां से यहां तक आकर भी डबल हो जाएगी, और फर्स्ट फिगर का ये 4 टाइम्स होगा। मीस था तो 40 होना था, और 40 से फिर कितना होना था, 80 होना ही था। और यहां पर इसके अंदर देखो टैक्स भी आपका बढ़ेगा, नहीं आपको पहले भी आपने टैक्स 40% दिया था, 1800 का अगर मैं निकालता हूं मैं 40% फिगर होगी 720, और जो माइनस करने पे बच रहा है वो बच रहा है 1080। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी 80% का प्लस हुआ है, और यहाँ पे भी 80% का प्लस हुआ है, इसका 80% 480 होता है, और 480 बढ़ के प्रॉफिट कितना हो गया, 1080। क्लियर है? तो ये बात हमारे को वेरीफाई हो गई है कि हाँ जी रेशियो ने जो बात बोली थी वो चीज यहाँ पे प्रूव हो गई है। अगर ये 2 टाइम्स है तो वहां पर ऊपर 1% का चेंज नीचे 2% का हो जाएगा, और 2% का चेंज यहाँ पे हुआ तो वहां पे आके वो 4% हो जाएगा। ठीक है बात? अच्छा, लेकिन ध्यान रखना ये रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड टॉपिक है, ये हमें रिस्क फैक्टर भी बताता है। अगर आपकी सेल यहां पे 20% बढ़ गई है
तो हमें साफ पता चल रहा है कि टारगेट हमारा 80% बढ़ गया, क्योंकि टारगेट ये नहीं है, टारगेट तो हमारा ये 80% बढ़ गया। बट ध्यान रखना, अगर आपकी सेल 1% डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट यहां पे 4 गुना घट भी जाएगा। हर 1% का पॉजिटिव चेंज फाइनल रिजल्ट को पॉजिटिव बनाएगा, और हर 1% का ऊपर चेंज नेगेटिव भी बनाएगा। 4 टाइम्स नीचे आते आते 2 टाइम्स हमारे यहां पे इंपैक्ट डालेगा और 4 टाइम्स नीचे। तो इससे हमें रिस्क पता चल सकता है कि बिजनेस के अंदर हम कितना ज्यादा रिस्क है। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस रिस्की होगा, और रिस्क के साथ प्रॉफिटेबिलिटी साथ साथ जुड़ी है। जितना ज्यादा आप रिस्क वाला काम करते हैं उसमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावनाएं भी होती है। तो दोनों साइड होती है बात। अगर आप, मैं कहूं कि सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं किसी मैच में, इलीगल है लेकिन तुमने लगाना शुरू कर दिया, तो देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, आपने आज आकर 1 लाख रुपए लगाया, कल को 1 लाख रुपए पूरे गवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कल पूरे 1 लाख के 2 लाख कमा भी सकते हो। हाईली रिस्की है, क्योंकि हाईली रिस्की है हाईली प्रॉफिटेबल भी है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भैया आप इतना रिस्क उठा सकते हैं, अगर उठा सकते हैं तो काम करें, वरना ना करें। तो ये आपको रिस्क के बारे में गाइड करता है लेवरेज, कि बिजनेस में कितना रिस्क है, आपकी सेल में होने वाला 1% आपके प्रॉफिट पे कितना प्रतिशत इंपैक्ट डालता है। जितना ज्यादा रेशो होगी उतने बड़े इंपैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर है बात? अच्छा, ये हमारे लेकिन एक तरीका हुआ फार्मूला निकालने का, जो कि बिल्कुल सिंपल था। अब मैं ये 2 टाइम्स फिर से निकालूंगा, लेकिन अब तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ये तो फार्मूला बहुत ही आसान है, नहीं आसान बहुत ज्यादा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। मैं ऑल्टरनेट फार्मूलास की बात कर लेता हूं जो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हर एक के साथ एक ऑल्टरनेट फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन दूसरा फार्मूला यूज तभी कर पाओगे जब पहले आप दोनों का डिफरेंस से ये चेंज निकाल चुके हो। जब तक आपको ये चेंज नहीं मिलेगा तब तक दूसरे वाला फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। ये चेंज चाहिए, और चेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 डेटा चाहिए, 1 और ये 2। जब तक 2 डेटा नहीं होगा दूसरा ऑल्टरनेट फार्मूला काम नहीं करेगा। कहता है जी हम परसेंटेज चेंज से भी लेवरेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज देखो, ईबीआईटी में परसेंटेज कितना हुआ चेंज, 14 नजर आ रहे हैं। तो इसका फार्मूला कहते हैं जी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स बोल दो, चाहे चाहे वेरिएबल कॉस्ट बोल दो, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन बोल दो। बात तो एक ही है, ये तो नजर आ गया तुम्हें कि चाहे सेल का परसेंटेज चेंज बोल दो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज चेंज बोल दो, चाहे कंट्रीब्यूशन का, बात तो एक ही है। लेकिन बोला क्या जाता है, बोला स्टार्टिंग पॉइंट जाता है फार्मूले में हमेशा। हम ये थोड़ी निकालते हैं, शुरुआत यहां से थोड़ी थी, शुरुआत तो यहां से, वैसे बात एक ही है। और आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर परसेंटेज चेंज ईबीआईटी 40 है, परसेंटेज चेंज सेल 20 है, तो जवाब फिर से 2 टाइम्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस तरीके से भी 2 टाइम्स आएगा। लेकिन ये वाला तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये वाला तरीका ज्यादा बेटर लगा, उसमें तो 1 सेकंड में जवाब आ गया था। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, परसेंटेज चेंज निकालने पड़ेंगे तब, लेकिन जवाब वही ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं। अब यहां पर फाइनेंशियल एवरेज में ये और ये भी 2 टाइम्स ही है, जवाब वही रहेगा। हम क्या बोलेंगे जी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, लास्ट पॉइंट हमारा ईपीएस बनेगा इसलिए मैंने लिख दिया, वैसे होता पीएटी है लेकिन इसी के थ्रू ईपीएस पे भी इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए आप फार्मूले में टारगेट लिखते हैं ईपीएस, या वैसे पीएटी बोल दो, या तो टैक्स बोल दो, या तो क्या बोल दो, पीबीटी। सबकी रेशो सेम होगी, लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है फार्मूले में, ईपीएस को। यहां पे प्रेफरेंस किसको देनी है, सेल्स को देनी है, वैसे इंपैक्ट सेम है सबके ऊपर। डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इससे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो यहां पे हो जाएगा 80%, यहां पे हो गया 40%, डिवाइड करो फिर से 2 टाइम्स आएगा। और अब क्या हो जाएगा, अब बॉटम एंड टॉप, तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोल दो, पीएटी बोल दो, टैक्स बोल दो, पीबीटी बोल दो, प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ईपीएस को, और डिवाइड क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट या तो कंट्रीब्यूशन, और इसमें भी प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल्स में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो आप कहोगे सर सेल में परसेंटेज चेंज जो हमारा हुआ वो 20 हुआ, और यहाँ पे ईपीएस में कितना चेंज हुआ, 80, तो 80% ऊपर 20% नीचे, तो जवाब फिर से क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया। क्लियर है सारे फार्मूले? अब इस टॉपिक के अंदर एक सवाल और पूछे जाते हैं, पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद एक चीज और बची रह गई है। कई बार वो आपको परसेंटेज में टारगेट दे देते हैं। परसेंटेज में टारगेट कैसे देते हैं,
वो कहते हैं जी आप हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए कि अगर हमने अपना प्रॉफिट में चेंज यहाँ पे जो लाने का फैसला किया है वो 6% लाने का फैसला किया, तो उससे हमें बताइए कि ईबीआईटी में कितना प्रतिशत चेंज लाना पड़ेगा और सेल में कितना प्रतिशत चेंज लाना पड़ेगा। तो ये सवाल होते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में लेवरेज है, यहां से और यहां के बीच में कौन सी लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज यहां पे बीच में बैठी हुई है, और इन दोनों के बीच में कौन ऑपरेटिंग। तो आपको यहां पर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू को पता होना चाहिए। यहां पे मुझे ऑलरेडी वो वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू है, यहां पे वैल्यू निकली है 2 times और यहां पे वैल्यू कितनी निकली है 2 times, बीच में तो दो दो, दोनों का कंबाइन इफेक्ट 4 times। तो एक चीज ध्यान से समझ लेना है, आप अगर अपनी परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं आपके पास 2 ways हो सकते हैं, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, 2 ways हो सकते हैं। आपको नीचे वाली परसेंटेज से ऊपर वाली परसेंटेज या ऊपर वाली परसेंटेज से नीचे वाली परसेंटेज जाननी पड़ सकती है। यहां पे भी होगा, या तो आपको नीचे से ऊपर वाली रेशियो जाननी पड़ सकती है, तो ऊपर से नीचे वाली। जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो ध्यान रखना ऊपर के चेंज नीचे आए हैं, रियलिटी में ऊपर से जो भी चीज नीचे की तरफ आएगी वो मल्टीप्लाई करते हुए आएगी, मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आएगी ऊपर से जो भी कुछ आएगा, लेकिन नीचे से अगर कोई भी ऊपर जाएगा तो डिवाइड होते हुए जाएगा, डिवाइड होते हुए जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि मैं 6% हूं और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मैं डिवाइड होते हुए ऊपर जाऊंगा, तो 6% इस 2 से डिवाइड होगा तो इससे होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इससे होगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। अब मैं यहां से फिर ऊपर जाना चाहता हूं, ऊपर जाऊंगा तो फिर डिवाइड होगा और डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 1.5%। तो मुझे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भैया यहां पे इतना टारगेट हमने रख दिया तो यहां पे कितना लाए। बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं कहूंगा भाई इस साल मैंने ये फैसला किया है, थोड़ी सी बार रेशियो थोड़ी सी बदल देता हूं, मैं कहता हूं यहां पे तो 2 times है और यहां पे वैल्यू आ गई है से 3 times, ऐसा हो सकता है ना, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। तो अब इस बार मैंने फैसला कर लिया कि पिछले साल जो प्रॉफिट कराया था उससे 10% हाई टारगेट रखूंगा। देखो मैंने क्या बोला, पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया था उससे 10% हाई टारगेट रखने हैं। तो यहां पे हाई टारगेट रखने हैं तो उसके लिए यहां पे क्या होना चाहिए, बड़ा आसान है। अब तो कैसे जाएगी इसकी वैल्यू, आप कहेंगे 10 divided by 3 कर देते हैं क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, तो यहां पे 3.33% और इसको फिर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1.67%। बात समझ में आई, तो इसका मतलब मैं अपनी सेल्स टीम को क्या बोलूंगा, मैंने सारी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा भाई तुम अपनी सेल्स से 1.6% बढ़ा दो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो कैलकुलेशन की, तुम अपनी सेल सिर्फ 1.6% बढ़ा दो, मुझे मेरा डिजायर टारगेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए, ये इसका बेनिफिट है। कल को कोई सवाल हम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी यहां पे हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं, यहां पे जो टारगेट दे रहे हैं वो 5% का हम पॉजिटिव इंक्रीज चाहते हैं, यहां चाहते हैं 5% का पॉजिटिव इंक्रीज, क्या EBIT हमारी 5% बड़ी हो जाए तो बताओ हमारी सेल कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी 2.5% बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर वो ये भी सवाल पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ हमारी EPS इससे कितने परसेंट बढ़ेगी, हम कहेंगे जी EPS तो आपकी फिर 15% बढ़ जाएगी क्योंकि 3 times बीच में लेवरेज है। क्लियर बात में आ गई है, आप यहां से शुरू होकर लास्ट तक जा सकते हैं, बीच में से ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी, बट ये ध्यान रखना अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा डिवाइड करना है उसी लेवरेज वैल्यू से जो तुमने निकाली है, और अगर नीचे की वैल्यू जाननी है तो मल्टीप्लाई करना है और सीधा बॉटम तक पहुंचोगे आप, EPS तक पहुंचोगे आप यहां पे, और यहां पे पहुंचोगे कहां तक, सेल्स। वैसे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सबकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर है सारी बात,